बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स माय नेम इज अब्दुल रहमान एंड आई एम टीचिंग बायोलॉजी स्टूडेंट्स इस सेशन में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं आपके इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक दैट इज इंपोर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस एज वेल एंड इट इज सक्सेशन डिटेल्स इसकी बोर्ड पे देखते हैं जी स्टूडेंट्स द टॉपिक इज सक्सेशन, सक्सेशन को अगर हम आसान तरीन अल्फाज में देखना चाहें तो इसको हम कह सकते हैं जानशीनी करना या फिर विरासत हासिल करना अब सवाल ये पैदा होता है कि इकोलॉजी में सक्सेशन से क्या मुराद है तो यहाँ पे ये याद रखिएगा कि किसी भी इकोसिस्टम का आगाज हमेशा किसी ना किसी सिंपल लाइफ फॉर्म से होता है और बाद में वो कन्वर्ट हो जाता है इंटू कंप्लेक्स या क्लाइमैक्स कम्यूनिटी तो इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी जगह से लाइफ का आगाज होना और फिर बहुत सारे स्टेप्स कवर करते करते जब एक स्टेबल कम्युनिटी या इकोसिस्टम बन जाए तो ये जो सारे के सारे स्टेप्स होते हुए आए हैं इस पूरे अमल को हम ये नाम देंगे सक्सेशन का ऑल राइट आसान तरीन अल्फाज में अगर हम लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं सक्सेशन इज कम्युनिटी रिले इट स्टूडेंट्स कम्युनिटी रिले से क्या मतलब है कि थोड़ी देर के लिए एक कम्युनिटी वहां पे सरवाइव करे उसके बाद उसमें मजीद कुछ तब्दीलियां आए और फिर एक नई क्लाइमैक्स कम्युनिटी डेवलप होना शुरू हो जाए यहां पे अंग्रेजी की एक कहावत में लिखता चलूं आपके लिए दैर इज द ओनली चेंज जी स्टूडेंट्स अब ये जो जुमला मैंने लिखा है इकोलॉजी में या नेचर में ये परफेक्टली फिट बैठता है वो किस तरह से कि हमें ये पता चलता है कि हर वक्त हमारे इर्द गिर्द माहौल में और जानदारों की कंपोजिशन में और स्ट्रक्चर में बहुत सारी तब्दीलियां वकू पजीर होती रहती हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये कहें लाइफ में कुछ कॉन्स्टेंट है तो इट इज एम्पॉसिबल इसका मतलब ये है कि हर वक्त तब्दीलियां आती ही रहेंगी और ये जो इकोलॉजी में स्पेशली सक्सेशन के अंदर हम ये जो स्टेबल कम्युनिटी वगैरह की टर्म यूज करते हैं ये भी यहां पे मिसफिट तो नहीं है लेकिन इससे मुराद ये होती है कि ये टेम्परे चेंज है या आरजी तौर पे जो तब्दीली आ रही है उसको हम स्टडी करें ऑलराइट स्टूडेंट्स right, फिर यहां पे कौन कौन सी चीजें हमारे फोकस पे होंगी इसको भी हम देख लेते हैं किसी भी कम्युनिटी के अंदर कम्युनिटी स्ट्रक्चर ऑलराइट वहां पे मौजूद कंपेटिटर्स और फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज नेचुरल सिलेक्शन ऑलराइट स्टूडेंट्स अब एक अहम बात याद रखिएगा कि सक्सेशन एक ऐसा अमल है जिसमें जानदार या कम्युनिटी के अपने कंपोनेंट्स बायोटिक कंपोनेंट्स की हम बात करें बायोटिक कंपोनेंट्स इकोसिस्टम को चेंज करते चले जाएं ताकि इकोसिस्टम उस तरह की स्पीशीज को फेवर करना शुरू कर दे जो वहां पे ज्यादा देर के लिए सर्वाइव कर सके ट्रू right, सक्सेशन। अब अगर देखा जाए तो सक्सेशन पानी में भी हो सकती है और सक्सेशन खुश्की के ऊपर भी हो सकती है तो इस वजह से इसको हम डिवाइड कर लेते हैं इंटू टू टाइप्स द फर्स्ट वन इज हाइड्रोसियन हम डिफाइन करना चाहें प्राइमरी सक्सेशन दैट स्टार्ट फॉन्ड इकोसिस्टम ऑलराइट और दूसरा लफ्स जीरो सीयर ऑलराइट जीरो वाली टर्म आपने पहले पढ़ी हुई है जीरिक या ड्राई कंडीशन इस तरह की एक्सट्रीम स्ट्रेस्ट कंडीशन जहां पर पानी की मिकदार बहुत कम होती है जीरो सी स्टार्ट खुशकी वाली जगह के ऊपर ऑल राइट स्टूडेंट्स अब यह हमारे पास दो मुख्तलिफ टाइप्स हमने हाँ यहां पर लिख लिया अब ये जो दोनों टाइप हमने हाँ यहां पर मैं स्टूडेंट्स इसमें से आपकी बुक में जीरो सीयर की डिटेल हमने डिस्कस करनी है लेकिन उसके डिस्कशन के साथ ही साथ आपको यह भी पता होना चाहिए सक्सेशन की अपनी कितनी एक्साम है ऑल राइट right. तो हमने इको सिस्टम या माहौल के मुताबिक डिवाइड कर दिया है उसको लेकिन सक्सेशन को भी हम फर्दर दो एक्साम में तकसीम कर सकते हैं एंड इट इज एन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन फॉर यू द फर्स्ट टाइप इज प्राइमरी सक्सेशन ऑलराइट अब प्राइमरी सक्सेशन क्या चीज है चूंकि हमने इसको एक स्टेप पीछे रखा है तो इस वजह से हम इसको ये कहेंगे कि यह बुनियादी सक्सेशन है दिस इज द ऑफ द लाइफ फ्रॉम द स्क्रैच ऑलराइट या इसको हम यूं कह सकते हैं द स्टार ऑफ एन इकोसिस्टम फ्रॉम द स्क्रैच कि किसी भी ऐसी जगह पे जहां पे पहले कोई भी लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर रही थी वहां पे अगर जिंदगी के आसार नमोदार होते हैं और फिर वहां पे स्टेप बाय स्टेप चलते चलते क्लाइमेक्स कम्युनिटीज आ जाती हैं तो इस चीज को हम कहते हैं दिस इज द प्राइमरी सक्सेशन यहां पे मैं लिख देता हूं स्टार्ट ऑफ लाइफ फ्रॉम स्क्रैच और राइट या एक दूसरे तरीके से हम इसको लिख सकते हैं स्टार्ट ऑफ एन इको सिस्टम From scratch. अब इसमें स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि किस तरह से या कौन कौन से ऐसे सबस्ट्रेटा हो सकते हैं जहां पे जिंदगी के आसार नमूदार होते हैं पहली दफा इसमें सबसे पहले नंबर पे जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि कोई इरप्शन वगैरह हो सकती है ऑल राइट इरप्शन क्या होती है यानी कोई भी आतिशविशा पहाड़ है उसमें से लावा निकले और निकल के बहना शुरू हो जाए अब वो लावा फ्लो करता हुआ चला जाएगा और चलते चलते वो एक ऐसी जगह या एक ऐसी सरफेस बना देता है जहां पे ऑब्वियसली पहले तो कोई लाइफ फॉर्म मौजूद नहीं थी तो इसका मतलब ये है कि यहां से जो सक्सेशन का अमल शुरू होगा वो प्राइमरी सक्सेशन कहलाएगा फिर इसी तरह मुकम्मल तौर पे सैंड या इसको हम डेजर्ट कह सकते हैं बिल्कुल ऐसी कंडीशन जहां पे पहले कोई भी ग्रीनरी या पानी की मिकदार ना होने के बराबर थी ऑल राइट right. फिर इसी तरह एक और चीज ग्लेशियल पूल अब ग्लेशियल पूल से यहां पे क्या मुराद है स्टूडेंट्स ये भी याद रखिएगा कि बहुत सारे एरियाज अभी भी जमीन के ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पर बर्फ से ढके रहते हैं लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता रहता है ये ग्लेशियर्स थोड़ा थोड़ा फासला तय करते हुए पीछे हटना शुरू हो जाते हैं या मेल्ट डाउन होते रहते हैं और पानी का हिस्सा बन जाते हैं अब यहां पे वो जगह जहां से ग्लेशियर हट गया या उसने जो खाली जगह एक्सपोज कर दी है वहां पे भी कोई लाइफ फॉर्म मौजूद नहीं थी अगर वहां से सक्सेशन का आगाज होता है तो उसको भी हम प्राइमरी सक्सेशन ही कहेंगे ऑलराइट right? तो ये है प्राइमरी सक्सेशन किसी भी ऐसी जगह से लाइफ का आगाज होना जहां पर पहले कोई भी और जानदार मौजूद नहीं थे द अदर टाइप इज सेकेंडरी सक्सेशन जी स्टूडेंट्स अगर हम इसको लिख लें जल्दी से इट इज द बिगनिंग ऑफ सक्सेशन वे देर वॉज ऑलरेडी and established community but disturbed due to catastrophic natural लाइक फायर फ्लड और विकेंडरी सक्सेशन है इसको पहले हमने डिफाइन कर लिया है ताकि आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ सके अब सेकेंडरी सक्सेशन है क्या कोई भी ऐसी जगह जहां पे पहले से कोई जानदार एग्जिस्ट कर रहे थे लेकिन वो तमाम प्लांट्स या वो वेजिटेशन जितनी भी वहां पे मौजूद थी अचानक आग लग जाने की वजह से या मुकम्मल तौर तो पे वहां पे अगर सैलाब आ जाता है या वाटर लॉगिंग हो जाती है तो लाइफ मुकम्मल तौर तो पे खत्म हो जाए लेकिन जो सॉयल है जो क्रस्ट है वो वहां पर बरकरार रहे ताकि थोड़े अरसे के बाद वहां से नए सिरे से लाइफ का आगाज किया जा सके अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस टूरस याद रखिएगा पहली बात जो हमने पढ़ी है प्राइमरी सक्सेशन वाली उसमें सिर्फ स्टार्टअप में ही हजारों साल लग सकते हैं लेकिन जो सेकेंडरी सक्सेशन है है ये एक क्विक प्रोसेस क्योंकि सबस्ट्रेटम पहले से ही तैयार है अब सिर्फ उसके ऊपर सीड्स वगैरह आके गिरेंगे और नए प्लांट्स ग्रो करना शुरू हो जाएंगे तो प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन इट कैन बी एन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल फिर उसके साथ स्टूडेंट्स अगली चीज जो आपने याद रखनी है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है लेकिन टॉपिक के सीक्वेंस के एतबार से भी अहम चीज है सक्सेशन में जहां से आगाज किया जाए उसको हम कहते हैं पाइनियर्स ऑलराइट right, वो जानदार जो सक्सेशन में सबसे पहले अपीयर होते हैं उनको हम बोलते हैं पाइनियर्स और पाइनियर्स के लिए साथ ही साथ दो अल्फाज में लिख रहा हूं दे आर हार्डी इनवेडर्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स। स्टूडेंट अब इनके पास ऐसी खसूसियत जरूर मौजूद होनी चाहिए कि अगर मुकम्मल तौर पर पथरीली जमीन है या किसी सहरा में जाके लाइफ का आगाज हो रहा है तो इनके पास ऐसी खसूसियात हों ताकि ये वहां पे वाटर को भी कलेक्ट कर सकें पानी को इकट्ठा कर सकें फिर उसको होल्ड भी करके रख सकें और साथ ही साथ अगर पथरीली जमीन है तो पत्थर में पेनिट्रेट करने की सलाहियत भी इनके पास मौजूद होनी चाहिए इस वजह से इनको कहा जाता है दीज आर हारी इन्वेदर्स क्योंकि ये उस शदीद मौसम में एंटर हो रहे हैं कि जब जहां पे पहले कोई और किस्म की लाइफ फॉर्म यहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रही थी ऑलराइट फिर दूसरी तरफ पाइनियर्स के साथ ही साथ मौजूद है क्लाइमेक्स कम्युनिटी अब यह बात काबिल गौर है सुरेंस के पाइनियर्स जो हैं वो कोई एक ही टाइप होती है आमतौर पर जानदारों की जबकि क्लाइमेक्स के साथ हमने क्या लिखा है कम्युनिटी तो इसका मतलब यह है कि यहां पे बहुत सारे मुख्तलिफसाम के जानदार एक ही वक्त में डाइवर्सिटी बना सकते हैं तो इस वजह से इसको हम कहते हैं दिस इज क्लाइमेक्स कम्युनिटी मोस्ट स्टेबल ऑलरेइड टेम्परेली स्टेबल नॉट परमानेंटली वी कैन से ग्रुप ऑफ प्लांट्स एनिमल्स जिसमें सबसे पहले हम प्लांट्स को शामिल करते हैं और वो भी मोस्टली वुडी प्लांट्स यानी कि दरख्त जो किसी भी जगह पे बायोडावर्सिटी के असल यू समझे पैदा करने वाले या प्रोड्यूसर्स बने होते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले प्लांट्स ग्रो करेंगे और फिर उसके लिहाज से बाकी स्पीसीज वगैरह एनवायरमेंट के एतबार से वहां पर आके ग्रो करना शुरू हो जाएंगे So this is the difference between pioneers and climax community Now, students hum discuss karne ja hai. Sab sab stages hai for the zero seric succession jee students the first one is crustose lichens the second one are foliage

अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि कोई भी ऐसा इकोसिस्टम सिस्टम जहां पर पहले कोई लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर रही थी वहां से प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट होगी अगर पहले कोई और लाइफ फॉर्म्स मौजूद थी लेकिन किसी कुदरती आफत की वजह से वो खत्म हो गई तो वहां से सेकेंडरी सक्सेशन का आगाज होगा तो यहां पर याद रखने वाली बात यह है प्राइमरी सक्सेशन इज ऑलवेज स्टार्टेड विद लाइक ऑलराइट राइट यह हमेशा लाइक से आगाज करती है अब लाइक में ऐसी कौन सी बात है स्टूडेंट्स देखें सबसे पहला नाम हमने क्या लिखा है इसका मतलब यह है कि ये वो हैं जो क्रस्ट बनाने में भी मददगार साबित हो सकते हैं ना सिर्फ ये, ये खुद सरफेस के ऊपर आके ग्रो करते हैं सुपरफिशियली बल्कि एट द सेम टाइम अगर कोई ऐसी जगह जहां पे सॉयल ही मौजूद नहीं है वहां पे लाइकन्स सबसे पहले आके ग्रो करेंगे और ग्रो करते हुए ये आहिस्ता आहिस्ता फैलना शुरू होते हैं और इनके फैलाव की वजह क्या है मॉइस्चर विद होल्डिंग एबिलिटी के इर्द गिर्द से नमी को जजब कर लेते हैं ड्यू ड्रॉप को पकड़ के रख सकते हैं और तो और अगर बारिश वगैरह हो जाए तो उस सूरत में भी मॉइस्चर को रिटेन करने की सलाहियत इनके पास मौजूद है फिर क्या होगा कुछ वक्त गुजरने के बाद जब इंतहा खुश्क मौसम आ जाएगा तो उस सूरत में इनकी डेथ हो जाएगी जैसे ही इनकी डेथ होगी स्टूडेंट्स तो इसका मतलब यह है कि अब वहां पे ऑर्गेनिक मैटर और अपर मोस्ट क्रस्ट वाली लेयर में इजाफा होना शुरू हो जाएगा तो नाउ इट इज द टाइम टू शिफ्ट टू द नेक्स्ट स्टेज अगली स्टेज कौन सी आ रही है यहां पे हमने लिखे हैं foliage lichens. इनको स्टेज भी कहते हैं इसका मतलब यह है कि इनकी अपेयरेंस पत्तों की तरह की हो सकती है ऑल राइट right? याद रखिएगा फोलिएज की टर्म जो है इट इज रिलेटिव टू द लीव इसका मतलब यह है कि ये पत्ते नुमा साखते बनाते हैं और एक और वजह क्रस्टोज लाइक के खत्म होने की वो ये भी है फोलियज लाइक जैसे जैसे ग्रो करते चले जाएंगे तो इनके शेड की वजह से जो क्रस्टोज हैं उनका खात्मा पॉसिबल है और अगेन दे विल टू द द ह्यूमस क्रस्ट फिर इसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट स्टेज है इज द मॉस स्टेज अब मॉस स्टेज का मतलब क्या है आमतौर तो पर हम मोसेज की टर्म यूज करते हैं ब्रायोफाइट्स के लिए जो नॉन वेस्कुलर एम्फीबियस प्लांट्स हैं लेकिन याद रखिएगा कि इनकी ग्रोथ के लिए मॉइस्चर लेवल हाई होना चाहिए और जमीन की तैयारी ऑर्गेनिक मैटर में एनरिचमेंट एंटर ये सारा काम पहले से लाइकंस करके जा चुके हुए हैं जैसे ही डेजिकेटेड एनवायरमेंट आएगा यानी कि बहुत ज्यादा खुशकी और कड़क धूप वगैरह तो मॉसेस भी वहां पे डेथ का शिकार हो जाएंगे फिर इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेज जो है वो अब जमीन आहिस्ता आहिस्ता तैयार हो रही है जो सॉयल की सरफेस ऊपर मौजूद है वो आहिस्ता आहिस्ता थिक होना शुरू हो जाती है और मॉसेस की पेनिट्रेशन जो थी एज कंपेयर टू लाइक वो भी ज्यादा थी इसका मतलब उन्होंने न्यूट्रिएंट्स भी एबजॉर्ब किए हुए हैं रूट जो हैं वो सॉइल uh, के अंदर और रॉक के अंदर पेनिट्रेट कर चुकी हुई हैं राइजॉय वगैरह जो होते हैं उनके फिर यहाँ पे इस्टेब्लिश की जाएगी नेक्स्ट फेज दर इज द हर्बेशियस प्लान स्टेज अब यहाँ पे हर्ब्स यानी कि जड़ी बूटियाँ आना शुरू हो जाएंगी और जड़ी बूटियों की ग्रोथ के साथ ही साथ जमीन में मज़ीद तब्दीलियां आते हुए झाड़ी नुमा पौधों का आगाज हो जाएगा जिनको हम श्रब्स कहते हैं अब श्रब्स की ग्रोथ को एनहेंस तो किया है यहां पे हर्ब्स ने लेकिन साथ ही साथ ये गड़बड़ हो रही है कि श्रब्स के शेड की वजह से हर्ब्स खुद गुजारा नहीं कर सकेंगी और उन बेचारों की डेथ हो जाएगी अब फिर इसके बाद श्रब्स के बाद जो नेक्स्ट स्टेज है स्टूडेंट्स दैट विल बी द क्लाइमेक्स द दिमाइज स्टेट अकॉर्डिंग टू दैट स्पेसिफिक एनवायरमेंट और इकोसिस्टम और वो होंगे ट्रीज जैसे ही वुडी प्लांट्स या वुडी ट्रीज़ वहां पे ग्रो करना शुरू होते हैं तो इसका मतलब ये है कि अब बाकी भी स्पीशीज एनिमल्स की और दूसरे बर्ड्स वगैरह वहां पे आके रहना शुरू हो जाएंगे और एक मुकम्मल डाइवर्स हैबिटेट डेवलप हो जाएगा फिर इसके साथ ही साथ नुकसानदेह बात यह है कि दरख्तों के, के शेड की वजह से श्रब्स वगैरह गुजारा नहीं करती लेकिन शेड और मॉइस्चर में चूंकि मॉसेज वगैरह या कुछ फर्स गुजारा कर लेते हैं तो वो वहाँ पर रीग्रो करना शुरू हो जाएंगे अब ये जो हमारे पास अल्टीमेट एक बड़ा ग्लोब बन गया है एक बड़ा इकोसिस्टम डेवलप हो गया है कि जिसमें बहुत सारे एनिमल्स बहुत सारे प्लांट्स और बाकी की बायोडावर्सिटी मौजूद है दिस इज नोन एज क्लाइमेक्स कम्युनिटी स्टूडेंट्स ये जितनी स्टेजेस एक दूसरे में मर्ज होने के बाद नई स्टेजेस डेवलप करती हैं इनको हम बोलते हैं सीरल स्टेजेस आगाज जहां से हुआ दैट वॉज पाइनियर्स इख्ताम जहां पर होगा वो होगी हमारी क्लाइमेक्स कम्युनिटी अल्ड स्टूडेंट्स इज ऑल अबाउट सिक्स सेशन जो आपने याद रखना है फिर इनशाला तला नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी